नमस्कार, जय हिंद दोस्तों, मित्रों, सब लाइव आ जाएं। जो आज मुद्दा है उस पर बात करने से पहले मैं उसको कुछ आपको सीन दिखाना चाहता हूँ। आप पीछे देख रहे हैं, टैंक है ये। आप इस ये टैंक आपको दिखाई दे रहा है ना, ये टैंक दोस्तों अमेरिका का एक मशहूर टैंक है जिसका नाम पैटन टैंक था, और इस टैंक पर पाकिस्तान को बहुत गर्व था। 1971 की वार में ये पाकिस्तान का सबसे मुख्य हथियार था ये टैंक, लेकिन भारतीय वीरों ने, मेजर कुलदीप सिंह चांदपुरी का आपने नाम सुना होगा, बॉर्डर फिल्म भी देखी होगी, उन्होंने पूरी टैंक रेजिमेंट तबाह कर दी पाकिस्तान की, और पूरी पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान के 90,000 सैनिकों को सरेंडर कराया था, आपको याद होगा। और ये हमारे लिए बड़े गर्व का विषय है कि पाकिस्तान ने 90,000 सैनिकों ने हथियार डाल दिए थे। लेकिन उसका फायदा क्या हुआ? तत्कालीन सरकार ने सारा का सारा भारत की जीत को समझौते की मेज पर गवा दिया। राजनेताओं ने पूरी की पूरी जमीन पाकिस्तान की वापस कर दी, पाकिस्तान के 90,000 सैनिक लौटा दिए गए, और आज भी वही हो रहा है दोस्तों। कश्मीर में पिछले साल से भारतीय सेना, CRP, SSB, पुलिस ने ऑपरेशन चलाए, दुनिया भर के मिलिटेंटों को मारा, ऑपरेशन ऑल आउट में एक खलबली मचा दी उन्होंने कश्मीर में कि मिलिटेंटों को भागना पड़ा, उनके रिसोर्स खत्म हो गए, अपने बिलों में जाकर छुप गए वो गद्दार। लेकिन तब मुफ्ती जो मुख्यमंत्री हैं महबूबा जी, उन्होंने एक नई चाल चली। उन्होंने कहा नहीं, रमजान का पवित्र महीना है, आप लोग सीज फायर कीजिए, और रमजान में इनको मत मारिए, रमजान युद्ध का नहीं, शांति का काम है। अफसोस तो मुझे हमारे PM पर, हमारे होम मिनिस्टर साहब पर है, उन्होंने इनकी मांग कैसे मान ली, वो एक छोटे से चाल में फंस गए उनके और सीज फायर कर दिया। अंजाम कल 2 बजे ग्रेनेड से हमला, एक CRPF का जवान पत्थर से मारा गया, और एनकाउंटर चल रहे हैं। यह है हमारी शांति का परिणाम, हमने एक जवान कल ही खो दिया पत्थर से। कुछ जो मेरे दोस्त थे, मुझे बड़ा अफसोस हुआ उनकी बुद्धि पर, उन्होंने मुझे ये बोला कि सेना जवाब देगी, पहले हमला नहीं करेगी। अरे दोस्तों, कभी गोली के सामने खड़े हुए हो? जो वार करता है उसको टाइम ज़्यादा होता है, 10 सेकंड में 47 से 30 गोलियां निकलती है, आप कब जवाब दोगे? जब जिंदा रहोगे तब जवाब दोगे? एक ग्रेनेड आपके बीच में अगर गिरेगा ना, 9 फुट के एरिया में आप सारे मारे जाओगे, आप जवाब दोगे? आज तक हम उन पर हावी थे, हम उनको ढूंढ ढूंढ के मार रहे थे, लेकिन सीज फायर के बहाने से वो पूरे गली मोहल्लों में घूमेंगे, खुलेआम नागरिक को धमकाएंगे, हमारे सोर्स खत्म करेंगे, लेकिन सरकार शांति के नाम पर उनको मौका दे रही है दोबारा खड़ा होने का। आज उनके पास हथियार नहीं है, पैसा नहीं है, वो बैंक लूटेंगे, हथियार लूटेंगे, लेकिन हम अपने कैंपों में दुबके रहेंगे। क्यों? कि हमारी सरकार ने बोला कि सीज फायर। सीज फायर 2 देशों में होता है। अभी आज मैंने स्टेटमेंट पढ़ा लश्कर ए तौबा के चीफ महमूद शाह का, उसने कहा हम सीज फायर नहीं करेंगे, हम हमारे शहीदों के उत्तराधिकारी हैं, उनके लिए हम भारत सरकार से लड़ेंगे। लेकिन हमारी सरकार शहीद करवा चुकी है और कराने को तैयार है। एक भी जवान मरता है भारत सरकार का, भारत का किसका बेटा है वो? दोस्तों, मेरा ये वीडियो देने का ये मकसद है क्योंकि बहुत जवानों ने मुझे फोन किया कि आप हमारी आवाज उठाइए। मैं आपके माध्यम से पूरे देश को बताना चाहता हूं, एक भी जवान राजी नहीं है सीज फायर में। आप ये सीज फायर तुरंत बंद कीजिए और जवानों को परमिशन दीजिए कि ऑपरेशन ऑल आउट न रोका जाए। कौन है भूखा प्यासा? अगर वो भूखे होते, प्यासे होते, 5 टाइम रोजे रखते तो हमारी सेना पर पत्थर नहीं मारते, ग्रेनेड नहीं फेंकते, फायर नहीं करते। उनको है मौका है उनके पास दोबारा खड़े होने का, लेकिन हम मौका नहीं देंगे। मोदी जी जब सत्ता में आए थे ना, इसलिए नहीं आए थे कांग्रेस ने भ्रष्टाचार किया था, इसलिए आए थे कि बॉर्डर से जवानों की लाशें आ रही थी, सिर कटी लाशें। तब PM साहब ने बोला था कि मेरा सीना 56 इंच का है और मैं आपको 10 लाख दूंगा, और आज वो इस साहब सीज फायर कर रहे हैं और उनके समर्थक तर्क ढूंढ रहे हैं कि साहब ढूंढ के मारेंगे। 1 महीने में कितने मजबूत हो जाएंगे आपको अंदाजा है? हमें पूरा 1 साल और लग जाएगा उनसे लड़ने में। ये संधि वाली बात क्यों, किस लिए संधि कर रहे हैं आप? सर 22 स्टेट में सरकार है आपकी, आप एक सरकार को कुर्बान कीजिए, लेकिन जवान को कुर्बान मत कीजिए आप।
एक भी सिपाही कुर्बान करने का मतलब है हमारे सिपाहियों का मनोबल डाउन होना। मैंने देखी है हालत, शुक्रवार को ड्राई डे होता है, जनता सड़क पे होती है, फौज अंदर होती है। हमारे अधिकारी बोलते हैं ड्राई डे बाहर मत निकलो। हम आजाद भारत में हैं या किसी दुश्मन देश में, ये एहसास होता है मैं कश्मीर में जाके। तो मेरा आप लोगों से अनुरोध है कि ये वीडियो आप शेयर कीजिए ताकि ये हर उस आदमी तक पहुंचे, सरकार तक हमारी आवाज पहुंचा सके। ये सीज फायर बंद होना चाहिए, नहीं तो ये जो आप टैंक देख रहे हैं ना, ऐसे टैंक हमने बहुत तोड़े पाकिस्तान के, लेकिन जब उसके सैनिक लौटा दिए, उसकी जमीन लौटा दी, पाकिस्तान फिर खड़ा हो गया। जब आज दुश्मन का सर कुचलने की जरूरत है, हम उसको मौका दे रहे हैं कि दोबारा वो खड़ा हो जाए और हम पर फिर वार करे, वार पर वार करे। मुझे बहुत अफसोस होता है जब इनके मैं बयान सुनता हूं। सरकार की तो कोई मजबूरी है, उनको वोट चाहिए, लेकिन जो राष्ट्रवादी बोलते थे वो क्यों समर्थन कर रहे हैं भाई? आज किसी पार्टी का मुद्दा नहीं है, मुद्दा देश का है। और आपकी सोच बताएगी कि आप देश के पक्ष में हो या पार्टी के पक्ष में। आप जवानों की डेड बॉडी चाहते हैं या दुश्मनों की लाशें चाहते हैं, ये आप बताएंगे। जय हिंद दोस्तों, वीडियो को शेयर करें। जय हिंद।